हेलो दोस्तों, नाना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है? तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल वन ऑफ सेवन सीपीसी मैट्रिक्स बिहार, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पांस एंड की रेजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चन ऑप्शन की द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मतलब ग्रुप डी का जो है ये 17/8/2022 से 11/10/2022 को लिया गया था। और ये जो है आपको क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की विल बी प्रोवाइडेड ऑन 14/10 को है जो कि, और से 19/10 तक है जो कि उपलब्ध रहेगा। आफ्टर व्यूइंग डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन ऑप्शन की तो वो है जो कि शेड्यूल फीस प्रोसीड्यूर जो है वो उसको पालन करना है। और क्या है व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स 14/10/1 बजे से है जो कि आपको होगा। उसी तरह व्यू एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट 15/10/10 बजे। और क्लोजिंग डेट है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन रेजिंग पेमेंट विंडो 23/55। और द प्रिस्क्राइब फीस रेजिंग ऑब्जेक्शन इज 50+ एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेज जो है जो कि इन केस ऑब्जेक्शन रेट फाउंड टू बी करेक्ट द फी पेड अगेंस्ट वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एप्लीकेशन। द रिफंड विल बी मेड अकाउंट जिसे कटा है और डेबिट कार्ड रुपए कार्ड मल्टी बैंक रिटेल नेट बैंकिंग से। प्रोसीड्यूर क्या है इसको जानते हैं। तो डिटेल प्रोसीड्यूर विथ नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRV। और ये जो है 19 से फाइनल डेट एंड टाइम 19/10/11:55 रात को है जो कि ये क्वेश्चन ये सब है जो कि आपको करना है। द डिसीजन ऑफ RRV ऑब्जेक्शन रेट शैल बी फाइनल फाइंडिंग एंड नो फर्दर करेक्शन सेल भी, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये आपको आपत्ति के लिए समय दिया गया, फीस भी हालांकि लगेगा और उसके बाद जो है वो आपको आंसर की बनेगा फाइनल आंसर की, उसके बाद है जो कि आपका रिजल्ट है जो कि जारी किया जाएगा। अब आते हैं दरोगा की बहुत चर्चा हो रही, बिहार दरोगा आएगी नहीं आएगी, तो देखते हैं इसके संबंध में क्या है। तो झारखंड में तो आपको दरोगा की बहाली है जो कि आ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ भी। हालांकि ये झारखंड में 4 साल बाद अब 946 दरोगा की जो कि सीधी भर्ती होगी। कितनी होगी? 946 दरोगा की सीधी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधिसूचना भी भेज दी है। इसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना दरोगा भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाए। अधिसूचना में 596 की भर्ती रेगुलर नियुक्ति का दावा होकर इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है। इसके अलावा जिला इकाइयों बैकलॉग 60,300 रिक्ति है, इन दोनों को मिलाकर कुल 946 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा सार्जेंट के खाली 29 पदों पर भी बहाली होगी। सार्जेंट के कुल 100 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 71 कार्यरत हैं। राज्य में अब तक 2 बार ही दरोगा की सीधी भर्ती हुई है, 2012 में 384, 2018 में 2580 दरोगा वाले, इनमें स्पेशल ब्रांच के 480 दरोगा भी शामिल है। तो ये आप सीट देख सकते हैं कितने कितने स्वीकृत, 1568 है और 239 खाली से हैं 596 दरोगा की नियुक्ति के लिए। उसी तरह 380 में 313 जो कि में 60 खाली है, ST में 815 में 155 खाली है, OBC1 में 251 में 47 खाली, OBC2 में 188 में 36 है, EWS का 59 खाली है। उसी तरह 350 बैकलॉग का है। तो ये जो बहाली है जो कि आपको राज्य में 3100 टोटल कितने पद हैं स्वीकृत, 3134 पद, इनमें 30% पद है जो कि खाली है। और इसी तरह जो कि स्वीकृत पदों का हालांकि इसमें अधियाचना भेजा गया, लेकिन बिहार में ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि आखिर ये भेजवाओ, बहुत प्रतीक्षा से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उसकी उन जो ज्वाइनिंग है दरोगा की वो होने वाली है, अगले माह तक हो जाएगी। पूरी मेडिकल की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो वो हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो कि बेसब्री से इंतजार है जो कि किया जा रहा है। उसके बाद झारखंड से और क्या है, झारखंड में नियुक्तियों का दौर चल रहा है तो ये देखते हैं। जितनी नियुक्तियां उसे दोगुनी प्रक्रिया हुई रद्द, अभी 13,583 पदों पर नियुक्ति की चल रही थी, मतलब पहले जो नियमावली थी उसको लेकर है जो कि ये कहा जा रहा है। और इस वर्ष 10 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में नियमावली नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। JSSC है जो कि परीक्षाओं में झारखंड के विद्यार्थियों को ही मौका मिले तो इंटर, मैट्रिक और इंटर रख ही दिया गया है। और कौन कौन सा है जो कि जारी है नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में,
11,147, तो झारखंड स्नातक JSSC CGL है 956 पोस्ट पर। झारखंड डिप्लोमा संयुक्त जो परीक्षा है वो है 1285, उत्पाद सिपाही का चल रहा है 583। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग है जो कि 914, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 594, रिम्स में ए ग्रेड 377। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 991। झारखंड सचिवालय आशुलिपक सेवा में 452, झारखंड प्रयोगशाला सहायक में 690, PGT जो झारखंड नेशनल उत्तर है उनके 3120। तो ये जो पद है जो कि और झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के है और झारखंड औद्योगिक पर ये सब चल रहा है। आयोग में लंबित नियुक्तियां अभी कौन कौन है, तो ये सब एसोसिएट प्रोफेसर, भूमि संरक्षण निदेशक, 2436 पदों पर आवेदन के बाद प्रक्रिया लंबित। तो GPSC में क्या है, 637 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग की नियुक्ति पूरी हो, जबकि असिस्टेंट 552 है जो अब तक 114 का अनुशंसा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कि JPSC का भी है जो कि मतलब निकलने की संभावना इस साल यहाँ भी है। और JSSC से 2263 पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू किए 13,583 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 से 20,600 पदों पर नियुक्ति शुरू होने के बाद प्रक्रिया रद्द हुई, तो ये 4,839 है। परीक्षा होने के बाद रद्द शुरू हुई प्रक्रिया कौन कौन है, कारा वाहन, उत्पाद सिपाही का है, विशेष शाखा का है, ANM प्रतियोगिता स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर तक है जो कि ये शुरू होगी। जिलों को इसका निर्देश भी भेजा गया है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।